वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे राजस्थान में कृषि से संबंधित क्रांतियाँ। हरित क्रांति गेहूं एवं खाद्यान्न के लिए, पीली क्रांति तिलहन सरसों के लिए, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, काली या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम और कोयला उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण या उर्वरक के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक के लिए, धूसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट के लिए, रजत सिल्वर क्रांति कुक्कुट या अंडे के लिए, सुनहरी क्रांति बागवानी के लिए, नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए, गुलाबी क्रांति रिलेटेड है झींगा मछली से, गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए, इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के लिए, सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास हेतु। इसके बाद है गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, जोहड़े वाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के द्वारा गंगा क्रांति, ठीक है। ग्रीन गोल्ड क्रांति ये चाय उत्पादन के लिए, वाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन के लिए, ये तीसरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। NH क्रांति या नेशनल हाईवे क्रांति ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है, ठीक है।